भारत विकास परिषद निकुंज द्वारा गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में भंडारा और सरबत की प्याऊ का भव्य आयोजन किया गया। होटल एलिबेट के सामने यमुना किनारा रोड आगरा पर आयोजित हुए इस भंडारे के मौके पर सभी समिति पदाधिकारियों ने जनसेवा का पुण्य का लाभ कमाया। निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में भारत विकास परिषद निकुंज के द्वारा मीठे सरबत की प्याऊ एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। लगभग 4:30 बजे से निरंतर यह कार्यक्रम चल रहा है और जिस तरह से आप देख रहे हो भीड़, सैकड़ों हजारों आदमी पूर्ण लाभ प्राप्त कर रहे हैं प्रसाद का। और हमारी जो पानी मिनरल वाटर की प्याऊ है वो अप्रैल माह से शुरू होती है, वो भी निरंतर लगातार जब तक गर्मियाँ रहती है जब तक चलती रहती है। और भारत विकास परिषद सेवा के क्षेत्र में निरंतर कार्य करता रहता है। भारत विकास परिषद निकुंज वर्षों से लगातार सेवा भाव का कार्य करती आती है। पूरी साल भंडारे प्याऊ, अभी ये प्याऊ लगभग 3 महीने से लगभग 7 साल से लग रही है और इसके साथ ही हर बार अभी गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया था। तो गंगा दशहरा के लगातार 2 दिन तो चलते ही हैं, संडे का 2 दिन बाद इसको चालू करेंगे और आज सुबह मतलब शाम को 4 बजे से कंटिन्यूटी में चल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोगों को बड़ी पूरी मेहनत कर रहे हैं और लोग भी इतने लोग आ रहे हैं खाने के लिए तो बड़ा अच्छा अनुभव होगा। प्रतिवर्ष के बाद हम लोग गंगा दशहरा पे निकुंज भाविका प्रसाद निकुंज प्रतिवर्ष मीठे प्याऊ की प्याऊ लगाते हैं तथा भंडारे का आयोजन करते हैं जो कम से कम 4-5 घंटे लगातार चलता है। और हमारे सही प्रकार के रूप में प्रतिवर्ष यहाँ पे हम प्याऊ लगाते हैं, मिनरल वाटर का प्रतिवर्ष लगाते हैं जो अप्रैल से लेके और जुलाई तक चलेगा, नेवर चलेगा। ये हमारा प्रकल्प है, स्थायी प्रकल्प, जिसके लिए हम सेवा के क्षेत्र में ये कार्यक्रम करते हैं। धन्यवाद। आज यहाँ पर गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में भंडारे और शरबत वितरण का आयोजन किया गया है। और जैसा कि हमारे यहाँ प्रतिवर्ष प्याऊ तो हमेशा ही लगती है, 4 महीने लगती है और तादाद की संख्या में आज लोगों ने प्रसादी ग्रहण की है और अभी और भी लोग आ रहे हैं जबकि काफ़ी देर से ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है तो अभी चलता रहेगा जब तक लोग आते रहेंगे। तो परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ाश्रम नहीं अधिकारी, इसी भावना के तहत निकुंज शाखा परोपकार के बहुत सारे कार्यक्रम करती रहेगी।